किचन व्लॉग्स। ये स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कुकुम्बर जूस बनाना। उसके लिए हमें मिक्सी बोल में हम कुकुम्बर लेंगे कटे हुए। इसमें जाएगा 2 से 3 लीव्स मिंट के। इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑफ जलजीरा पाउडर। आप इसकी जगह चाट मसाला भी ले सकते हैं, ब्लैक सॉल्ट भी ले सकते हैं कुछ, एंड पिंच ऑफ ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, एंड 1 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैं एक ट्विस्ट दे रही हूँ, ये काली किशमिश है। काली किशमिश समर में बहुत अच्छी होती है, इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। ये हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में भी बहुत हेल्प करती है। ये उसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है जो हमारे बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये मैं ले लेती हूँ इसका। अभी मैंने ये पहले 2 घंटे पहले भिगो के रखने के लिए रख दिया था काली किशमिश को, और अभी मैंने उसमें से बीज निकाल लिया है। अब मैं इसका पानी इसमें ऐड करूँगी। थोड़ा सा वाटर सिर्फ ग्राइंड करने के लिए, हमें बिल्कुल पतला नहीं करना है क्योंकि क्यूक्यूम्बर का जो थोड़ा सा फ्लेवर है वो दिखना चाहिए। तो आइए हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ओके गाइस, हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब हम एक छन्नी में इसको छान लेंगे। गाइस, ये मैं छान रही हूँ। अभी से मुझे इतनी अच्छी सी स्मेल आ रही है, अच्छा सा परफ्यूम उसमें से रिलीज हो रहा है कुकुम्बर का और मिंट का, बहुत अच्छा लगता है। अब हम लेते हैं एक सर्विंग ग्लास। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे लेमन का छोटा टुकड़ा लेके अच्छे से वाइप कर लेना है ग्लास को। और अब हम इस ग्लास को, ये मैंने सॉल्ट और थोड़ी सी शुगर को मिक्स कर लिया है, उससे हम ऐसे कर देंगे। सो देखिए, हमारा सर्विंग ग्लास तो रेडी है। अब सबसे पहले हम उसमें डालेंगे ये कुकुम्बर जूस। और इसमें जाएगा थोड़े से आइस क्यूब, अब मैं इसमें काली किशमिश जो हमने शॉक करके रखी थी वो ऐड कर लेते हैं। और मैंने ये मिंट लीव्स लिया है, यहाँ पे रख देंगे। और ये तैयार है हमारा हेल्दी कुकुम्बर मिंट जूस। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे ग्रेप्स झिलमिल। तो उसके लिए हमें चाहिए ग्रेप्स। हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस, थोड़ा सा चाट मसाला, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, थोड़े से पुदीना के पत्ते और थोड़ा सा पानी, और हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो गाइस, ये देखिए हमने ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसे छन्नी में छान लेंगे। गाइस, यहाँ पे ग्रेप्स है वो मेरी बहुत मीठी थी इसलिए मैंने शुगर नहीं ऐड किया है, पर कभी कभार ग्रेप्स बहुत खट्टा होता है तो आप उसमें 1 या 2 टेबलस्पून अपने स्वाद के अनुसार चीनी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने जूस को अच्छे से छान लिया है। अब आइए प्लेटिंग करते हैं। इसके लिए मैंने
एक ग्लास ले लिया है। तो इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे सब्जा सीड यानी कि तकमरिया। गाइस तकमरिया एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको वो हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसको हम हीट वेव से भी हमें बचाता है, हमारे शरीर की गर्मी को रिड्यूस करता है। तो ये मेरा एक पीस इंग्रेडिएंट है जो आज मैं ऐड करने वाली हूँ। ये मैंने 2 चम्मच सब्जा सीड्स ले लिए, इसको मैंने 15 मिनट के लिए पानी में सोक करके रख दिया था, तो ये ऐसे फूल जाएंगे देखिए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आइस क्यूब्स, और ऐसे में 2 से 3 पुदीने के पत्ते क्रश करके रख दूंगी। ये ऑप्शनल है पर मुझे पुदीना बहुत पसंद है इसलिए मैं सब में पुदीना डालना पसंद करती हूँ। और हम ये लास्ट में जूस डाल देंगे इसमें। मैं गार्निशिंग के लिए भी ये थोड़े से सब्जा सीड्स यूज़ करूँगी यहाँ पे। अब हम इसको ऐसे चला लेंगे। रेडी है हमारा ग्रेप्स झिलमिल। इसको मैंने ग्रेप्स झिलमिल इसलिए नाम रखा है क्योंकि ये सब्जा सीड्स है वो एकदम झिलमिल की तरह दिखते हैं ग्रेप्स में, तो इसलिए ये तैयार है हमारा ग्रेप्स झिलमिल। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी है ऑरेंज तराना। इसके लिए हमें चाहिए ऑरेंज जूस 1 कप एंड थोड़ा सा पुदीना, टू टेबलस्पून लेमन जूस, पिंच ऑफ चाट मसाला एंड 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर पाउडर, और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। लास्ट में डालेंगे थोड़े से आइस क्यूब। और अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। देखिए अब हम इसे ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसे ऐसे ही सर्व करेंगे क्योंकि ऑरेंज जूस के बीच बीच में हमें जो मिंट की जो फ्लेवर आएगी उसके पत्ते का थोड़ा थोड़ा टेस्ट आएगा वो बहुत अच्छा लगेगा। तो अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। प्लेटिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने ये ऑरेंज का सारा पल्प निकाल लिया है और उसका एक बॉल बना लिया है, और अब हम इस बॉल में ही हम सर्व करने वाले हैं। ये देखिए तो अब हम इसे गार्निश कर लेंगे एक मिंट जूस। तो गाइस रेडी है हमारा ऑरेंज तराना। गाइस आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको इन तीनों में से कौन सा अच्छा लगा जूस, और प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।